चुनावी हिंसा करती, पंचायत के चुनाव में 200-200 लोग मारे जाते, लोकसभा विधानसभा के चुनाव के बाद लोगों की हत्या होती है, देश भर में चुनाव होते हैं, कहीं हिंसा नहीं होती है और बंगाल के अंदर हिंसा होती है, इसका कारण तृणमूल कांग्रेस है। मैं आपको बताने आया हूं, मां माटी और मानुष तीन नारा देकर ममता दीदी आई थी। मां को तो संदेश खालिफ में अपमानित किया, माटी को बांग्लादेशी घुसपैठियों के हवाले किया और मानुष को भ्रष्टाचार और हिंसा कर समाप्त करने का काम किया। अब समय आ गया है, समय आ गया है तृणमूल कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने का, और समय है आप सभी लोगों ने कमल के निशान पर बटन दबाने का। भाई और बहनों, यहां रायगंज के लिए एम्स की योजना बनी, ममता दीदी ने रोक दी, भाजपा बनाना चाहती थी वो कलकत्ते ले गई, पूरे नॉर्थ बंगाल में एम्स नहीं है, मोदी का गारंटी है 30 सीटें जिता दो हम नॉर्थ बंगाल के लिए अलग एम्स बनाने का काम करेंगे। भाई और बहनों, कुलिका नदी का मुद्दा, चौड़ पर यहां लोग खेती करते थे, ममता के गुंडों ने गरीब किसानों की भूमि छीन ली है, ये नहीं। आप यहां पर लोकसभा के बाद भाजपा सरकार बना दो, ये ममता के गुंडों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम हम करेंगे। भाई और बहनों, बिहार और रायगंज का कनेक्टिविटी हो जाए तो यहां पर बिजनेस की बढ़ोतरी होती है, बिहार और बंगाल दोनों को फायदा होता है। बिहार की सरकार ने एनओसी दे दी, मैंने स्वयं ममता दीदी से बात करा, वो एनओसी नहीं दे रही है। मुझे बताओ रायगंज वालों, ये हाईवे बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? ममता दीदी नहीं बनने देती है, चुनाव में आप उनको ये पूछिएगा।